सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसी चीज के बारे में जो बच्चों की, बड़ों की, स्टूडेंट्स की, प्रोफेशनल्स की, हाउसवाइफ्स की, मतलब ऑलमोस्ट घर में सबकी ज़रूरत है और जरूरत सबकी ज़रूरत को पूरा भी करता है, वो है एक अच्छा टैबलेट। अगर आप टैबलेट खरीदना चाहते हैं तो, और हर एक रेंज का, मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ 20,000 की रेंज में, 15,000 की रेंज में, 10,000 की रेंज में, 5,000 की रेंज में, सभी रेंजेस के अंदर जो बेस्ट टैबलेट अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 2-3 वीडियोज़ की सीरीज़ होंगी तो आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं चैनल के ऊपर। मैंने क्यों कहा टैबलेट जो है हर एक की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को आजकल एजुकेशन के अंदर जो है टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है। मोबाइल में स्क्रीन छोटी सी होती है तो खास कुछ नज़र नहीं आता, आंखों पे स्ट्रेन पड़ती है, तो ऐसे में टैबलेट जो है वो इंटरेक्टिव एजुकेशन उनकी हो जाती है। काफ़ी सारी ऐप्स भी आ रही हैं, बायजूस जैसी आप देख सकते हैं। हाउसवाइफ्स जो है वो आजकल जो कुछ बनाना होता है तो उसकी रेसिपी भी यूट्यूब पे बड़े आराम से देख लेते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और क्या क्या कितनी सारी सीरीज़ चल रही हैं तो वो देखने में भी आपकी मदद मिल जाती है। आपको इसके अंदर एक प्रेजेंटेशन और वो देना तो प्रोफेशनल्स के लिए भी ये है, फैमिली में हर चीज़ के अंदर आप चाहें तो आज की तारीख में टैबलेट जो है वो यूज़ हो जाता है। आज मैं जिन टैबलेट्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो है जो 20,000 की रेंज के आसपास घूमते हैं, मतलब 15,000, 20,000, 25,000 की रेंज के अंदर। अलग 2 वीडियो मैंने और बनाए हैं जिसके अंदर आपको 10,000 की रेंज, 5,000 की रेंज, 15,000 की रेंज के अंदर आपको जो टैबलेट हैं वो देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले टैबलेट की जो मैं बात करने वाला हूँ वो है किंग ऑफ द टैबलेट्स, मतलब एप्पल का टैबलेट आईपैड। ये आप समझ लीजिए इससे बेस्ट टैबलेट इस रेंज में जो मैं बताने वाला हूँ वो हो ही नहीं सकता। मतलब रेटिना डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिलने वाला है, आंखों पे भी जोर नहीं पड़ने वाला। 9.7 इंचेस के इसके अंदर डिस्प्ले है, वाईफाई 32 GB वाले वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपको मिल जाएगा अमेजोन पे 25,999 रुपये में, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी मैं बात करता हूँ इसकी कॉन्फिगरेशन के बारे में। 9.7 इंचेस के अंदर आपको रेटिना डिस्प्ले मिलने वाला है, 2 GB के अंदर आपको रैम मिलेगी, 32 GB के अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी। जो डिस्प्ले है वो वाकई में बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं पर्सनली भी इस टैब को यूज़ करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि ये टैब्स के मामले में तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टैब। क्वाड कोर इसके अंदर प्रोसेसर मिलेगा A10 की चिपसेट के साथ, ये एप्पल का अपना खुद का चिपसेट है, 64 बिट के ऊपर चलता है फ्यूजन चिप जो डेस्कटॉप क्लास के आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ है। 2.3 GHz के अंदर फ्रीक्वेंसी पे चलता है। टच आईडी का इसके अंदर आपको सपोर्ट मिलेगा तो सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है। फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। 8 MP का रियर कैमरा मिलेगा जो कि 180 पे, मतलब 1080 पिक्सल पे आपकी वीडियो बना देता है। 1.2 MP का फेस टाइम कैमरा मिलेगा जो कि हाई डेफिनेशन कैमरा है। 10 घंटे का इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला है। 2 स्पीकर्स आपको मिलेंगे तो मतलब कि मूवीज़ वगैरह देखना भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहेगा। और ये एप्पल की पेंसिल को भी सपोर्ट करता है जो भी लेटेस्ट आई है, तो जिसको स्केचेस वगैरह का कुछ है, ड्राइंग्स वगैरह बनानी है या फिर प्रेजेंटेशन जैसे मैंने बात करी थी उसमें भी ये सपोर्ट करने वाला है। लाइटनिंग कनेक्टर के साथ ही मिलेगा। दोस्तों ये इतना कमाल का टैबलेट है कि अगर आपकी रेंज 25,000 के आसपास की है तो बिल्कुल आँख बंद करके इस टैबलेट को ले लीजिएगा। इस रेंज में इससे बेटर टैबलेट और इससे बेटर एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा फॉर श्योर। ये तो थी एप्पल आईपैड के बारे में बात। अगर बात करता हूँ एंड्रॉयड के बारे में तो सिर्फ 16,990 में टैब 4 8 प्लस लेनोवो का ये टैबलेट है, कमाल का ये टैबलेट है। अगर आपको पबजी वगैरह गेम भी खेलनी है बड़ी स्क्रीन पे तो वो भी आप इसमें खेल सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करता हूँ तो इसके 8 इंच का IPS डिस्प्ले आपको मिलेगा, साथ ही आपको स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर मिलेगा जो कि 2.0 GHz की फ्रिक्वेंसी पे चलता है। ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि एड्रेनो के 506 के GPU के साथ आता है। 3 GB के अंदर आपको रैम मिलेगी और 16 GB के अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी जिसको आप बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट इसके अंदर लगा हुआ है। 4850 mAh की बैटरी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। 8 MP का रियर कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। ड्यूल सिम आप 4G इसके अंदर लगा सकते हैं, ये कॉलिंग टैबलेट है तो आप उसके साथ कॉलिंग का भी मजा उठा सकते हैं। जो चीज़ मैं आपको बोलूँगा थोड़ा ध्यान रखने वाली है वो है इंटरनल मेमोरी थोड़ी सी कम है तो, लेकिन आप एक्सपेंशन स्लॉट है तो उसको लगा के बढ़ा सकते हैं। 16,990 रुपये के अंदर ये बहुत अच्छा टैबलेट है। अगर आपको एंड्रॉयड के अंदर जाना है तो लेनोवो का ये टैबलेट दी बेस्ट टैबलेट है, 16,000 की रेंज के अंदर आप इसके लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसी रेंज के अंदर 16,990 के अंदर आपको 10 इंच के टैबलेट के लिए जाना है तो अगले टैबलेट की मैं बात करता हूँ। ऑनर का ये टैबलेट है, ऑनर मीडियापैड T310। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 425 का प्रोसेसर मिलेगा जो कि 1.4 GHz की फ्रीक्वेंसी पे चलता है। एड्रेनो का 505 का GPU इसके अंदर मिल जाएगा। 3 GB की रैम मिलेगी और 32 GB की स्टोरेज, मतलब कि वो रैम और स्टोरेज वाला जो है वो भी काफ़ी बड़ा हुआ है। 9.6 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। 4800 mAh की बैटरी मिलेगी। 4G कनेक्टिविटी है। 2 MP का इसके अंदर आपको कैमरा मिलने वाला है। लगभग 450 ग्राम, मतलब कि 460 GSM का इसके अंदर वेट है। 16,990 जो है इसका प्राइस है। अगर आप 10 इंच के आसपास का टैबलेट देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा ये टैबलेट हो सकता है इस रेंज के अंदर। तो दोस्तों अगले टैबलेट के बारे में बात करते हैं। अगर एप्पल के बारे में बात करें तो सैमसंग के बारे में बात क्यों ना करें, दोनों ही ब्रांड काफ़ी आपस में क्लैशेस से रहते हैं। तो अगले अगर मैं टैबलेट की बात करता हूँ तो वो है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए
T385। दोस्तों अगर आपको नाम जो है वो याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी टैबलेट से लिंक दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली उन पर क्लिक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं जो भी आपको टैबलेट चाहिए हो। बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इसके अंदर आपको 8 इंच का HD हाई डेफिनेशन डिस्प्ले मिलने वाला है, 2 GB के अंदर आपको रैम मिलेगी, 16 GB की स्टोरेज मिलेगी जिसे आप 256 GB तक बढ़ा सकते हैं, 5000 mAh तक की इसके अंदर आपको बैटरी मिलने वाली है, 8 MP का रियर कैमरा मिलेगा और 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है इसके अंदर। तो दोनों से अच्छी आपकी सैमसंग के जो कैमरा होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो काफ़ी अच्छी आप इससे पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। Wi-Fi प्लस 4G दोनों कनेक्टिविटी इसके अंदर आपको मिलेगी, नोगट का 7.1 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलने वाला है, एंड्रॉयड का जो वर्जन है ये मेटल जैसा, इसका मतलब ये बॉडी का स्ट्रक्चर है तो काफ़ी देखने में क्लासी सा लगता है, काफ़ी अच्छा ये टैबलेट है। सैमसंग का ब्रांड है और डेफिनेटली आपको इसके अंदर एक सेफ्टी एक मिलेगी आपको कि हाँ ये अच्छा एक ब्रांड है, सर्विस भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो ये थे वो 4 टैबलेट जो मैं इस रेंज के अंदर आपके लिए लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ, इस चैनल पे आपके अपने चैनल पे चल रहा है गिव अवे, उसके अंदर पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। गिव अवे क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये छोटा सा आप क्लिप देख लीजिए। दोस्तों आपके चैनल पे चल रहा है एक जबरदस्त गिव अवे जिसके अंदर जीत सकते हैं आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 हेडफोन्स, उसके अंदर गेमिंग हेडफोन्स भी हैं। तो बस जीतने के लिए आपको सिंपल सी चीज करनी है कि चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और इसके रिजल्ट निकलेंगे बिल्कुल लाइव। और साथ में एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, इसके अंदर आपको जीतने के मौके सिर्फ 1 या 2 नहीं पूरे 5-5 मौके मिलेंगे, यानी कि एक इंसान जो है 5 एंट्री कर सकता है। कैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लाइक करते हैं तो आपकी एक एंट्री होगी, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को आप शेयर करेंगे, और साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो ये 5 आपकी एंट्रीज बन जाती हैं, तो जीतने के आपके चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर जीतेंगे, इसको लाइव रिजल्ट इसके मैं निकालूंगा। तो जल्दी से फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए शेयर और ऑल द बेस्ट। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और डेली वीडियो आते हैं इस चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट अपडेट डेली मिलती रहे।